नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह कुछ न कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम लोग उपस्थित होते हैं और इन्फॉर्मेशन देने को ट्राई करते हैं। आज का ये जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली ऑन स्टूडेंट डिमांड हो सकता है, या शायद कई दिनों से कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि कजान फेडरल और क्रीमिया फेडरल है दोनों का डिफरेंस क्या है। तो हम लोग अभी ट्राई करने जा रहे हैं, अभी ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कजान फेडरल वर्सेस क्रीमिया फेडरल के बारे में, और उसके बाद दूसरा एक वीडियो आएगा हमारा, इसके बाद वो आएगा फार ईस्टर्न फेडरल और क्रीमिया फेडरल के बारे में। तो ये कंपेरिजन बेसिक जो है वो हम बताने को ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब जरूर से कर ले कि आने वाले वीडियो के भी आपको फ़ायदे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कजान फेडरल वर्सेस क्रीमिया फेडरल के बारे में। अगर हम लोग ये दोनों यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो दोनों यूनिवर्सिटी एक रेनाउन यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर। दोनों यूनिवर्सिटी का खुद का कोई ना कोई एक पहलू है जहाँ पे वो स्ट्रांग है खुद के बेस पे। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे दोनों यूनिवर्सिटी, अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कजान फेडरल की हम लोग बात करेंगे करीबन 200 साल प्लस पुरानी यूनिवर्सिटी है, और क्रीमिया फेडरल की बात करेंगे तो करीबन 100 साल से पुरानी यूनिवर्सिटी है। क्रीमिया के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे ये चीज़ को, कि क्रीमिया जो था वो पहले यूक्रेन का पार्ट था। उस टाइम पे क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और रशिया में आने के बाद 2014 से इसको कन्वर्ट किया गया, 2014 के बाद यानी कि 2015 में भी बोल सकते हो आप, उसको फेडरल में कन्वर्ट किया गया। तो आज की डेट में उसको क्रीमिया फेडरल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों यूनिवर्सिटी का अगर मेडिकल ब्रांच का एस्टेब्लिशमेंट हम लोग देखेंगे तो एक है 1804 में एस्टेब्लिश हुआ है, एक हुआ है 1918 में। दोनों यूनिवर्सिटी में अगर इंग्लिश कोर्स की जब शुरुआत हुई है तो कजान फेडरल के अंदर इंग्लिश कोर्स शुरू हुआ था 2013 के अंदर, जबकि क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जब यूक्रेन में थी, मीन्स 1997 से वहाँ पर इंग्लिश कोर्स चल रहा था, और फेडरल में कन्वर्ट होने के बाद वो कंटिन्यू हो गया है। लोकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रीमिया कजान फेडरल जो है वो कजान सिटी में आया हुआ है, तातरस्तान स्टेट का एक पार्ट है, और क्रीमिया फेडरल की अगर बात करेंगे तो सिम्प्रोपोल करके सिटी है वहाँ पे आया हुआ है। दोनों सिटी का अगर डिस्टेंस देखने जाए तो कजान फेडरल का जो डिस्टेंस है करीबन 700 से 800 किलोमीटर है मॉस्को से, जो मेन कैपिटल है रशिया का वहाँ से, और वहीं पर क्रीमिया फेडरल की अगर बात करेंगे तो करीबन 1300 से 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस है मॉस्को से उसका। दोनों सिटी का लिविंग कॉस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हो, लेकिन सिम्प्रोपोल है वो थोड़ा महंगा है ज़्यादा कजान फेडरल के कंपैरिजन में, करीबन 10-12% हम लोग ज़्यादा बोल सकते हैं। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो कजान फेडरल पॉपुलेशन है वो 12,91,900 के आसपास है, यानी कि 13 लाख हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। वहीं पर अगर क्रीमिया की बात करेंगे यानी कि सिम्प्रोपोल की बात करेंगे तो करीबन 3.5 लाख की आबादी है वहाँ पर। अगर एक्रेडिटेशन की बात की जाए तो कजान फेडरल जो है वो MCI से एक्रेडिटेड है, WHO से भी एक्रेडिटेड है, और ECFMG से भी एक्रेडिटेड है, जबकि क्रीमिया फेडरल की अगर बात करेंगे तो वो MCI से एक्रेडिटेड है, WHO से एक्रेडिटेड है, एज वेल एज ECFMG से भी है। मीन्स दोनों के पास एक्रेडिटेशन का कोई भी दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कजान फेडरल के अंदर करीबन 43,000 के आसपास के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर है करीबन 32,000 स्टूडेंट के आसपास के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करने जाएंगे तो करीबन 6,000 जितने स्टूडेंट कजान फेडरल में हैं, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर 3,000 प्लस स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। अकोमोडेशन की अगर बात करेंगे, अकोमोडेशन के अंदर कजान फेडरल के पास प्रीमियम अकोमोडेशन एज वेल एज लोअर अकोमोडेशन दोनों ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल है, और क्रीमिया के पास जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके हिसाब से पुराना अकोमोडेशन था, लेकिन इस साल से वहाँ पे भी नया रिनोन हॉस्टल रेडी हो चुका है। दैट मीन्स अकोमोडेशन का दोनों को कोई इश्यू नहीं है, हालांकि क्रीमिया का जो अकोमोडेशन है वो करीबन 100 से $150 थोड़ा ज़्यादा महंगा है कम्पेयर टू कजान पूरे साल भर के लिए। नंबर ऑफ फैकल्टीज़ की बात करेंगे, फैकल्टी यानी कि ब्रांचेस की बात करेंगे तो करीबन वहाँ पर 16 फैकल्टीज़ है कजान फेडरल के अंदर, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर 23 जितनी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। टीचिंग स्टाफ की अगर बात करेंगे तो कजान फेडरल में करीबन 4,000 से 5,000 का टीचिंग स्टाफ है, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर करीबन 7,000 जितना टीचिंग स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर बात करेंगे तो कजान फेडरल का करीबन 240 प्लस यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जबकि
क्रीमिया जो है उसका करीबन 160 के आसपास का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए तो क्रीमिया फेडरल का यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा बढ़िया साबित हो रहा है। रीज़न क्या है कि कज़ान फेडरल का जो यहाँ पे फीस है वो करीबन 380,000 रुपये के आसपास है, जबकि क्रीमिया फेडरल का जो फीस है वो करीबन 295,000 यानी कि 300,000 रुपये के आसपास है। दूसरी अगर बात करेंगे, दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर्ड है। कज़ान फेडरल में अगर हम लोग बात करेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का तीन सब्जेक्ट का वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है, जबकि क्रीमिया फेडरल के अंदर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया जाता है। और अगर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो कज़ान फेडरल के अंदर 50% इनफ है, 12th के अंदर 50% के आसपास आपका रिजल्ट रहेगा तो चल जाता है, लेकिन क्रीमिया में स्पेसिफिकली आपको 60% मार्क्स विद प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इंडिविजुअली होना ज़रूरी है। बात करेंगे अगर हम लोग वर्ल्ड रैंक की, यूनी रैंक के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाते हैं तो कज़ान फेडरल का जो वर्ल्ड रैंक है वहाँ पे 454 है एंड कंट्री रैंक 4 है, जबकि क्रीमिया फेडरल का यूनी रैंक के अंदर जो रैंक है वो 3512 है और कंट्री रैंक 19 है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे FMG रिजल्ट के बारे में तो कज़ान फेडरल का एक भी स्टूडेंट का बैच आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ है बाहर, लेकिन क्रीमिया फेडरल की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे 2014 के रिजल्ट की, तो 2014 के अंदर जो रिजल्ट था क्रीमिया फेडरल का, उस टाइम पे क्रीमिया फेडरल का नाम था क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी था, तो उस टाइम पे उसका जो रिजल्ट था FMGE का वो था करीबन 38.7%, जहाँ पे 31 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और 12 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे। वहीं पे अगर 2015 की बात कर, ये 2018 की बात करेंगे, उस टाइम पे दो टाइप के नाम वहाँ पे मेंशन किए गए थे, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका रिजल्ट था करीबन 21.72% और क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जहाँ पे उसका रिजल्ट दर्ज किया गया था करीबन 26% के आसपास का। लेकिन अगर इन दोनों का अगर मिला के भी एवरेज काउंट करते तो करीबन 25% के आसपास का रिजल्ट था। जबकि हालांकि 2019 के अंदर NDE बोर्ड ने थोड़ा एक गलती किया हुआ है, क्रीमिया फेडरल को रशिया के लिस्ट में ना रखते हुए यूक्रेन के लिस्ट में डाल दिया है, तो ढूंढना आपके लिए भी शायद दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट देखेंगे क्रीमिया का, तो यहाँ पे क्रीमिया का जो रिजल्ट है करीबन 311 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था और 125 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 40.19% रिजल्ट था यहाँ पे क्रीमिया फेडरल का। तो दोनों यूनिवर्सिटी अपने अपने बेस पे क्लियर है। अगर हम लोग दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहले कज़ान फेडरल का पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे तो वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है, उसके पास हर एक टाइप का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, उसका हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बेटर है पूरे रशिया के अंदर, हॉस्टल अकोमोडेशन एकदम बढ़िया सा है वहाँ पे, ये उसका प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट तो एक टफ एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हो, और दूसरा माइनस पॉइंट वहाँ पे हो जाता है उसका, तो उसका बजट क्राइटेरिया, ये दो चीज़ें वहाँ पे टफ है। उसी बात पे क्रीमिया की बात करेंगे तो क्रीमिया का प्लस पॉइंट क्या है, FMGE का जो बेस्ट रिजल्ट है उसका वो एक प्लस पॉइंट है, लोअर पैकेज है वहाँ पे जो कि अपोजिट साइड बोल सकते हो कज़ान फेडरल के, उसके अलावा एक्रेडिटेशन है उसके पास, तो ये चीज़ें उसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं। और अगर माइनस पॉइंट की बात करेंगे तो माइनस पॉइंट के अंदर क्रीमिया फेडरल जो है उसका माइनस पॉइंट होता है तो वर्ल्ड रैंक के अंदर उसका उतना नाम नहीं है आज की डेट में, प्लस जो एकोमोडेशन का इश्यू था वो इस साल से सॉल्व हो रहा है, तो मीन्स उसको माइनस पॉइंट में हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं दोनों यूनिवर्सिटी का अगर कंपेरिजन करना है तो सबसे पहला अगर मार्क्स का आपका इश्यू है तो कज़ान फेडरल इट्स बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका 60% मार्क्स है और आपका बजट का इश्यू है, या बजट का इश्यू नहीं भी पैसा बचता है तो अच्छी बात है, तो वहाँ पे क्रीमिया आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों यूनिवर्सिटी अपने लिए अपनी अपनी जगह पे एक रिनॉन ऑप्शन है आपके लिए, उसको कभी भी गलत आप नहीं बोल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, शायद ही आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है आपको लाइक करना ना भूलें, एज वेल एज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और फिर से रिक्वेस्ट है मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, एज वेल एज मेल करना है तो मेल भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद, टेक केयर।